भारत को आध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इसमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। माँ कामाख्या देवी का मंदिर। माँ कामाख्या देवी का मंदिर असम में राजधानी गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। यह चमत्कारी मंदिर माँ भगवती के 51 शक्ति पीठों में शामिल है, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शव को काटा था, तो कामाख्या में उनके शरीर का एक भाग गिरा था। जहां जहां माँ सती के अंग गिरे थे, वह जगह शक्तिपीठ कहलाई। यहां पर कोई मूर्ति नहीं है, मां सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। यहां पर हर किसी की कामना पूरी होती है, इस वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा है। यह मंदिर 3 भागों में बटा है। इसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। बताया जाता है कि इस पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। यह क्यों और कैसे होता है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कालीधारा पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहां पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है। यह ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ 9 रंगों की निकलने वाली ज्वाला को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। यह ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हींगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी की रूप है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती हैं और इसका रंग कैसे परिवर्तित हो जाता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। करणी माता मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। यह चूहों वाली माता का मंदिर के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। यहाँ पर करीब 2500 चूहे मौजूद हैं। जहाँ पर मौजूद चूहे अधिकतर काले रंग के हैं, इनमें कुछ सफेद और काफी दुर्बल प्रजाति के हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिससे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और मंदिर परिसर में दौड़ते रहते हैं। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल पाते। इस मंदिर के बाहर चूहे नहीं दिखते, लेकिन मंदिर के अंदर इतने सारे चूहे हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी राजस्थान में है। यह चमत्कारी मंदिर राज्य के दौसा जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जागृत अवस्था में विराजमान है। बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्मा का साया होता है, वह प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में आते ही लोगों के शरीर से बुरी आत्माएं और भूत पिशाच पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है। इस मंदिर में रात को रुका नहीं जा सकता और यहाँ का प्रसाद भी घर नहीं लेकर जाया जाता, ऐसा कहा जाता है। काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर उज्जैन शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। परंपराओं के मुताबिक भगवान काल भैरव को भक्त सिर्फ शराब चढ़ाते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि शराब के प्याले
घड़े को काल भैरव की प्रतिमा के मुख पर जैसे ही लगाया जाता है, काल भैरव पूरी शराब पी लेते हैं, यानी कि प्लेट में से पूरी शराब गायब हो जाती है। इस बात की भी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। कई वैज्ञानिकों ने और कई रिसर्चरों ने इस पे रिसर्च कर ली है, लेकिन इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाए कि ये बाबा शराब कैसे पी जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।